महंगी बिजली और भारी टैक्सों के खिलाफ ताजरों की मुल्कगीर हड़ताल। लाहौर, कराची, पिशावर, कोटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में शटर डाउन रहेंगे। लाहौर में माल रोड पर एहतजाजी कैंप कायम। कराची में बोल्टन मार्केट, तारिक रोड, यूरिया बाजार समेत तमाम मार्केटें बंद। पिशावर में खैबर बाजार, सदर, किसाखवानी समेत तमाम तजारती मराकज में शटर डाउन। ताजरों का कहना है ताजर दो स्कीम और टैक्स पॉलिसियां बोझ बन चुकी, अपने असासे फरोख्त करके बिल अदा कर रहे हैं। ताजर दुश्मन स्कीमों को मुस्तरद करते हैं। दुकानों पर 60,000 रुपए महाना टैक्स लगाना जुल्म है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का भी ताजरों की हिमायत का ऐलान। इस्लामाबाद चैम्बर के सदर का कहना है इस्लाहात के नाम पर हंसा हंसा करना कबूल नहीं, हुकूमत ताजरों के साथ बैठे और इस्लाहात नाफिज करे। महंगाई के खिलाफ पुरअमन हड़ताल को भरपूर तरीके से कामयाब बनाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की अपील, कहा हुकूमत ताजर दोस्त के नाम से दुश्मन स्कीम्स मुतारिफ करवा रही है, यकीन है ताजर झांसे में नहीं आएंगे। हुक्मरान अपनी मराद तो छोड़ते नहीं, इनकी बड़ी गाड़ियों का बोझ हम क्यों उठाएं। जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए, हुकूमत अखराजात कम करे, IPPs मुआहदे ख़त्म हों तो आवाम को खुद ब खुद रिलीफ मुंतकिल होगा। आज के हड़ताल में हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। ताजरों की मशावरत से आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। JUI ने भी ताजरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। मौलाना फजल रहमान की कारकुनों को एहतजाज में शिरकत करके कामयाब बनाने की हिदायत। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। कराची में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में पानी जमा, मेट्रोल में एक शख्स करंट लगने से जाम बहाक। हैदराबाद, दादू और कनकोट में भी बादल बरसे। मटियारी में तूफानी बारिश के बाद सड़कें जेरे आब आ गई। वर्षा में छत गिरने से खातून जाम बहाक। हैदराबाद में छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। ठट्टा के साहिली इलाका मीरपुर साकरू में 40 से ज्यादा मकान मुनहदम हो गए। 25 अफराद जख्मी। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बल्दियाती अमले की छुट्टियां मनसूख। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 अगस्त तक शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों का स्पेल। झेलम समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। बलूचिस्तान में जाफराबाद, बदी के नदी नालों में तुगयानी, कई घर मुनहदम। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान भाग। पंजगोर में नाले में डूबकर 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। मस्तूम के इलाके दश्त में ट्रैक्टर सैलाबी वेले में बह गया, एक शख्स जान भाग, एक जख्मी। एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग से मुजफ्फराबाद के पी शाराबन जियारत में बागात सैलाबी रेलों के बाइस तबाह। NDMA ने आज भी मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क में तूफानी बारिशों के बाइस सैलाबी सूरतहाल। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में रवा माह अम्बाद की तादाद 15 हो गई। 142 घर मुकम्मल तबाह। 5,000 से ज्यादा को जुजवी नुकसान पहुंचा। 92,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। 58,000 एकड़ पर फसलें तबाह। 4 पुलों और 41 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुंचा। 343 मवेशी हलाक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज़ एक बच्चा रेले में बहकर जान बहक हुआ। दासू में 3 घरों को नुकसान पहुंचा। सरगोधा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात पर समाप्त हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और अहमद खान भचर ने हाजिरी लगवा दी। फर्दे जुर्म की कार्रवाई आज भी ना हो सकी। प्रोसिक्यूशन ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने मुलजिमान को कल दोबारा तलब कर लिया। प्रोसिक्यूशन को मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। कर्जों पर कर्ज ने पाकिस्तानी मईशत को बेहाल कर दिया। कर्ज अदा करने के लिए नए कर्ज का हुसूल भी मुश्किल। काउंटर करेंसी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। कर्जों के मामले पर पाकिस्तान के हालात को श्रीलंका, घाना और नाइजीरिया से तशबीह दे दी। रिपोर्ट में लिखा हालिया बजट में $20 अरब का मजीद कर्ज लेने का प्लान बनाया गया। UAE का $3 अरब रोल ओवर इसके अलावा होगा। IMF से $7 अरब पैकेज की ताखीर तशवीशनाक है। कमर्शियल बैंकों से भारी सूद पर कर्ज लेने से मजीद बिगाड़ का खदशा। December 2022 से अब तक बैरूनी कर्ज $77 अरब से बढ़कर $126 अरब तक जा पहुंचा। मौजूदा माली साल $25 अरब का कर्ज वापस करना लाजिम है। नाकामी पर डिफॉल्ट।
हुकूमत का अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल अगले हफ्ते कौमी असेंबली में पेश होगा। हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी बिल पेश करेंगे। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 की जाएगी। बिल में कहा गया है कि जजेस कम होने से मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। आलमी तजारत के केसेस में माहिर जजेस की ज़रूरत है। माहिर जजेस की तकर्री से बरवक्त समात दुरुस्त फैसले होंगे। जजेस पर गैर ज़रूरी दबाव भी ख़त्म होगा। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का तीसरे रोज भी एहतजाज। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस के बाहर धरना जारी। इदारा बंद करने के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि आज डी चौक की जाने पेश कदमी करेंगे। मुतालबात मनवाए बगैर धरना और एहतजाज खत्म नहीं होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी मुजाहिरीन को रोकने की तैयारी कर ली। डी चौक कंटेनर्स लगाकर सील। रेड जोन को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। वेस्ट इंडीज़ का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ में वाइट वॉश। तीसरे मैच में करेबियन साइड की डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 8 विकटों से जीत। बारिश के बायस मैच 13 ओवर्स तक महदूद। प्रोटीज़ ने 4 विकटों पर 108 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ को जीत के लिए 13 ओवर्स में 116 रन दरकार थे। करेबियन टीम ने 10वें ओवर में 2 विकटों पर हदफ पूरा कर लिया। चाय होप के 42 रन सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के दिलचस्प मुकाबले। मेगा इवेंट की तारीख के तवील तरीन मैच का रिकॉर्ड बन गया। बरतानवी खिलाड़ी डीन एवंस ने तारीखी मार्क अपने नाम किया। 5 घंटे 35 मिनट तक जारी रहने वाले मैच में रूस के कैरिन को शिकस्त। असाब शिकन मुकाबले का फैसला 5वें और आखिरी सेट में हुआ। 3 सेट्स टाई ब्रेकर तक गए। गुज़श्ता रिकॉर्ड 1992 में 5 घंटे 26 मिनट का था। ला लीगा फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले। स्पेनिश सरजमीन पर जारी बार्सिलोना की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार। फतुहात की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। रायो वायकानो को उनके घर पर 2-1 से शिकस्त दी। बार्सिलोना लीग टेबल पर टॉप पोजीशन पर काबिज। रियल मैवरिका और सायोका का मैच बराबर। दोनों टीमें मुकर्रर वक्त के दौरान एक गोल भी ना कर सकें। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जल्द से NOC कैंसिल होने पर तोहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाप्त हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इंतजामिया आखिरी वक्त पर जाकर जल्द से NOC क्यों मुअत्तल करती है। लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं तो बाद में पता चलता है कि जलसा मुअत्तल हो गया। क्या अच्छा लगेगा कि मैं कमिश्नर को बुलाकर शोकाज नोटिस जारी करूँ। एडवोकेट जर्नल ने 8 सितम्बर को जलसे की इजाज़त की यकीन दहानी करवा दी है। अदालत ने केस की समाप्त 10 सितम्बर तक मुलतवी कर दी है। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जलसे का NOC कैंसिल होने पर तोहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाप्त हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इंतजामिया आखिरी वक्त पर जाकर जलसे का NOC क्यों मुअत्तल करती है। लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं, बाद में पता चलता है कि जलसा मुअत्तल हो गया। क्या अच्छा लगेगा कि मैं कमिश्नर को बुलाकर शोकाज नोटिस जारी करूँ। एडवोकेट जर्नल ने 8 सितम्बर को जलसे की इजाज़त की यकीन दहानी करवा दी है। अदालत ने केस की समाप्त 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जलसे का NOC कैंसिल होने पर तोहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाप्त हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि इंतजामिया आखिरी वक्त पर जाकर जलसे का NOC क्यों मुअत्तल करती है।